व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है ब्रिजेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मेगा टेक्निक्स। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हमने बनाई है ये रिमोट कंट्रोल सर्किट, जिससे कोई भी लाइट कंट्रोल हो सकती है। किसी भी तरह की लाइट हो या कुछ भी हो, कंट्रोल हो जाएगा इस सर्किट की मदद से। तो ये सर्किट आपको ड्रॉ कर लेना है और फिर इसमें से देख के हम इसका सर्किट बनाएंगे। तो सर्किट बनाने के लिए गाइस, सबसे पहले आपको लेना है एक पीसीबी बोर्ड। तो पीसीबी बोर्ड आपको कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पर मिल जाएगा। और अभी लेनी है आपको एक 4017 आईसी। तो गाइज, ये आईसी भी आपको उसी स्टोर पे मिल जाएगी, इजीली अवेलेबल होती है ये। तो गाइज, पीसी बोर्ड को आपको इस शेप में कट कर लेना है और फिर ये आईसी आपको ऊपर की साइड लगानी है। तो इस तरीके से आपको ये आईसी फिट कर देनी है जीरो बोर्ड पे। और फिर लेना है आपको एक 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस, तो उसको आपको गाइज यहाँ पे लगाना है। जो आपकी सेकंड नंबर की पिन है, आपको इसे उसके साथ कनेक्ट करना है। तो ठीक उसके सामने हम इस रेजिस्टेंस को लगा देंगे और इसका एक बार आईसी के पिन की तरफ टर्न कर देंगे, मोड़ देंगे और फिर आईसी के जो सारे वायर्स है बोर्ड की तरफ झुका देंगे, ताकि इन पे हम आराम से शोल्डर कर सकें। और देखिए, इस तरीके से आपको रेजिस्टेंस और आईसी के वायर मोड़ देने हैं। फिर गाइज, आपको एक लेनी है एलईडी। एलईडी के गाइज, जो बड़े वाले वायर हैं वो पॉजिटिव है और छोटे वाला वायर नेगेटिव है। तो गाइज, आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो पॉजिटिव वायर है वो ऊपर की साइड रहे और नेगेटिव नीचे की साइड। तो पॉजिटिव वायर हमें रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करना है, जैसे कि आप देख रहे हैं सर्किट डायग्राम में। तो इसी तरीके से आपको उसके सामने लगाना है और लास्ट जो इसका नेगेटिव वायर है वो हमारा गया है आईसी के लास्ट वाले वायर में। तो हमने इसे उसकी तरफ मोड़ दिया है ताकि हम उस पर आराम से शोल्डर कर सकें, और दूसरे वाला हमारा रेजिस्टेंस के साथ है। फिर आपको लेना है 104 नैनो फेरेड का कैपेसिटर। तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होते, तो इसे आप कैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, इसके पिन कौन कौन से में लगे हैं। आईसी के 16th पिन के साथ लगा है और एक लगा है 14th पिन के साथ। तो उनके सामने इस कैपेसिटर को लगाएंगे और फिर उसके वायर जो है आईसी के सामने वाले वायर्स के तरफ मोड़ देंगे, और इससे हमें इसके वायर आईसी के साथ सोल्डिंग करने में आसानी रहेगी। फिर आपको 470 किलो ओम का रेजिस्टेंस लेना है, और जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं इसे कैपेसिटर के वायर के साथ ही कनेक्ट करना है। तो ठीक उसके पास में लगाएंगे, और जो दूसरा वायर है वो 13th वाली पिन में है, तो इसे 13th पिन के सामने लगाएंगे बिल्कुल। और इस तरीके से दोनों के वायर आईसी की तरफ मोड़ देंगे ताकि आराम से शोल्डर हो जाए। दोस्तों, अभी सारे कंपोनेंट्स जो है मेन वाले वे सब लग गए हैं हमारे बोर्ड में, और अब बस सोल्डरिंग करनी है। तो जितने भी वायर आईसी के पास है या फिर जो वायर हमने पहले से ही कनेक्ट कर दिए हैं, बस शोल्डिंग करने बाकी है। तो वे सारे वायर जो है हम अभी उनके ऊपर शोल्डिंग कर रहे हैं, और इन्हें शोल्डिंग करते ही हमारा जो आधा काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वाला लास्ट वायर था और इसे हमने शोल्डिंग कर दिया है। अब देखिए गाइस, ये वाला वायर जो है आईसी के साथ कनेक्टेड है, तो 4th पिन से ये 15th पिन के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे ये 4th पिन है और ये वाली 15th पिन है। तो इस तरफ से 4th और उस तरफ से 2nd। तो चलिए इन्हें कनेक्ट करते हैं। तो अभी इसे उल्टा कर लेंगे, और कनेक्ट करने के लिए गाइज एक छोटा सा वायर लेंगे हम। तो ये वाला वायर है छोटा सा, और इसे पहले 2nd पिन के ऊपर लगाते हैं, और फिर जो इसकी 15th पिन है उसके ऊपर लगाएंगे और 4th पिन के साथ। तो ये 4th वाली हमने शोल्डर कर दी है,
और अभी ये 15th पिन के साथ सोल्डिंग करेंगे, तो इस वायर को इसके पास ले आएंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये दूसरे वायर से टच ना हो और ध्यान से शोल्डिंग करनी है। तो ये वायर शोल्डर हो गया है, बस एक और वायर रह गया है जो कि है ये वाला। तो ये 13th से 8th वाली पिन में गया हुआ है, तो इसके लिए भी हम इसी तरीके से कनेक्ट करेंगे। तो ये वाला वायर है एक, तो चलिए इसके लिए हमने एक छोटा सा वायर ले लिया है और सबसे पहले लास्ट वाले के साथ कनेक्ट करेंगे और फिर जो 13th वाली पिन है उसके साथ कनेक्ट करेंगे। तो अभी 8th पिन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं और ये शोल्डर हो गई है। और चलिए अभी इसे 13th वाली पिन के पास ले आएंगे इस तरीके से। बस दूसरी पिन के साथ कनेक्ट वो टच नहीं होनी चाहिए और इसे शोल्डिंग कर देंगे। चलिए जो सर्किट है वो कंप्लीट हो गया है। बस अब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वायर लगाने हैं बैटरी के। तो जैसे कि आप देख रहे हैं जो 8th वाली पिन है वो नेगेटिव है और जो हमारी 16th पिन है वो पॉजिटिव है। तो वायर हमने ले लिया है, तो नेगेटिव में ब्राउन लगाएंगे और पॉजिटिव में रेड वाला वायर लगाएंगे। तो जो 8th पिन है उसके पास एक होल है बोर्ड में और उसमें वायर डाल दिया हमने और फिर उसके ऊपर शोल्डर कर देंगे। ऐसे ही हमें ऊपर वाली पिन के साथ करना है, तो इसके पास एक वायर डालेंगे इस तरीके से और यहाँ पे इसे शोल्डर कर देंगे। तो चलिए देखिए ये वाला वायर भी शोल्डर हो गया है। अब गाइस बस सर्किट को टेस्ट करना बाकी है, तो इसे टेस्ट बाद में करेंगे। पहले हम इसमें आईआर सेंसर लगाएंगे क्योंकि आईआर सेंसर से ही जो ये सर्किट है वो कंट्रोल होगा। तो मतलब इससे ही हम जो लाइट है वो ऑन ऑफ करेंगे। तो अभी हमने जो लाइट है वो रिप्लेस कर दिया ग्रीन से क्योंकि गाइस वो लाइट फ्यूज थी। तो अभी हमें ये आईआर सेंसर बना लेना है, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये हमने कई सारी वीडियोस में बनाया है और यूज़ भी किया है, तो वहाँ से आप ये सर्किट बना लीजिए, बहुत ही ईजी है। तो अभी इस आईआर सेंसर को इस सर्किट के साथ कनेक्ट करना है। तो जहाँ पे हमने कैपेसिटर लगाया है वहीं पे हमें ये लगाना है और कैपेसिटर के दोनों वायर के साथ ही जो ये नैनो फैराड का कैपेसिटर है इसके साथ ही आपको कनेक्ट करना है। तो जो है हमारा सर्किट है इसका जो ऊपर वाला कैपेसिटर का वायर है वो पॉजिटिव है, तो इस वाले सर्किट का या सेंसर वाले का आपको उसमें नेगेटिव लगाना है, यानी इन दोनों के तार आपको उल्टे करने हैं। ऊपर वाला पॉजिटिव है जैसे कि आप देख रहे हैं और नीचे वाला नेगेटिव है, तो इस वाले सर्किट के नेगेटिव वायर को आपको ऊपर लगाना है और पॉजिटिव नीचे, और फिर इसे शोल्डर करते ही आपका सर्किट जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम इसमें बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं, 3 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं दोनों सर्किट में, तो एक बैटरी से नहीं ऑपरेट होंगे इसलिए हम इसमें दो बैटरी का यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए अभी हमने दोनों सर्किट में पावर सप्लाई दे दी है और रिमोट से ये बहुत ही इजीली ऑन ऑफ हो रहे हैं और बहुत ही परफेक्टली ये काम कर रहा है। तो इस तरीके से आप इसे बिल्ट कर सकते हैं। और देखिए इसे टेस्ट करने के लिए हमने अभी साइकिल में 2 LED स्ट्रिप लगा दिए हैं, तो दोनों शोकर पे हमने 2 LED स्ट्रिप लगाई हैं इस तरीके से, लंबी स्ट्रिप है। और देखिए यहाँ पे हमने सर्किट जो है वो लगा दिया है और बैटरी भी इसके साथ अटैच कर दिए दोनों सर्किट के साथ में। तो गाइज अभी रिमोट से ऑन ऑफ करके देखेंगे, तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये अच्छे से काम कर रहा है और कोई से भी बटन से आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हो, तो दूर से भी ये अच्छे से काम कर रहा है। तो जितनी दूर से आपका टीवी काम करता है, टीवी का रिमोट, उतने ही दूर से ये भी काम करेगा। और गाइस सबसे अच्छी बात ये कि आप इसे अपने मोबाइल से भी कंट्रोल कर सकते हैं, आपको रिमोट कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि गाइस ज़्यादातर MI के मोबाइल में IR सेंसर होता है और दूसरे फ़ोन में भी शायद मिल ही जाता है, तो उससे ये आराम से कंट्रोल हो जाएगा। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को ऐसी और बहुत सारी वीडियो देखने के लिए। और गाइस ऊपर आपको एक मैसेज दिख रहा होगा, तो वो हमारा सेकंड चैनल है 4R के नाम से, उस पर हम वाइंस डालते हैं, तो उसे भी आप एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को ज़रूर चेक कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine.